हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6C की प्रॉब्लम नंबर 12 से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 11 तक का सलूशन देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6C प्रॉब्लम नंबर 12। दिखाइए कि तो लेट कर लेते हैं y = 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। x बराबर 1/2 पर निम्निष्ठ है और इसका कोई उच्चिष्ठ मान नहीं है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो चलिए करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लें। dy/dx 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा, तो हर गुणे अंश का अवकल माइनस अंश गुणे हर का उत्कलन बटे हर वर्ग। न्यूमरेटर यहां पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सॉल्व कर दें इसको, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, एक्स का माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल। सॉल्व करें आएगा माइनस 1 से यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, या ऐसा करते हैं इसमें से माइनस कॉमन लगा देते हैं, ठीक है। या इसको पहले लिखते 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x ऑन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या करें, यहां से माइनस कॉमन करके 2x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स का क्या क्या यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया है, ये 2x माइनस 1। अब आप देखिए यहाँ से 2x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन मिल रहा है, क्या बचा 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होकर अब हमें क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा, तो इसको रिलीज करेंगे। x की वैल्यू मिल गई,
अब हमें इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा, तो इस टर्म को दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, नाउ अगेन डी टू वाई ओवर डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एफ टू टू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाना होगा हमें, हर पूरे अंश का फलन दो का अंदर गुणा करते तो फोर एक्स माइनस टू माइनस फोर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे का। क्यों अंश बचे हर हर में अंश का अवकलन माइनस अंश में हर का अवकलन बचे हर। सॉल्व करें इसको आएगा वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर फोर इंटू वन माइनस जीरो माइनस फोर एक्स माइनस टू यहाँ पर क्या होगा पहले पावर सॉल्व होगी तो टू आ गया आ गया वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अब अंदर सॉल्व होगा तो वन का जीरो एक्स का वन और इसका माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। अब देखते हैं यहाँ बचा क्या क्या है हमारा, तो एक ही देखिए यहाँ पर वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हमें सीधा सीधा कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको कॉमन कर वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन। अब क्या बचा है यहाँ पर फोर और ए किसमें से बचा है वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी टू और फोर एक्स माइनस टू डी टू कॉमन में चला गया और वन माइनस अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर। अब यहां से देखिए आपको टू और कॉमन मिल रहा है और साथ ही साथ टू हम यहां से भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा फोर कॉमन आ जाए कर देते हैं ऊपर से फोर कॉमन आ गया वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फोर कॉमन में चला गया ये बचा हमारा वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू यहां से बाहर निकला था यहां पर कितना बचा टू एक्स माइनस वन और वन माइनस अपॉन में वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर फोर। यहाँ तक सॉल्व हो गया ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बी टू बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर फोर वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लें तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करते यहीं तक ही सॉल्यूशन रखते हैं इसका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू डालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फोर वन प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाय टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या हुआ इसे टू कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया पूरा फोर कितना आ जाएगा थ्री बाई टू माइनस वन बाई फोर प्लस जीरो
अपॉन में 3y2 माइनस 1y4 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम में मिला हमें 4, 6 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, कैंसिल, 5 अपॉन 5 बाई 4 का होल स्क्वायर यानी 25 बाई का होल क्यूब होगा। यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं 5 बाई 4 का होल, कुल मिला के जो वैल्यू आ रही है वो कैसी है, 5। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये x बराबर 1/2 पर धनात्मक मान देता है, अतः निम्निष्ठ। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिली है, इसका मतलब मिनिमा होगा, तो हम लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, यही हमसे प्रूव करता है। वो एक बात और प्रूव करा रहा है कि उच्चिष्ठ नहीं है, तो हमें यहाँ पर x का कोई दूसरा मान ही नहीं मिला था जिस पर हम उच्चिष्ठ प्रूव कर सकते, तो चूंकि x का एक ही मान मिला था और उस पर ये मिनिमा आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फलन में सिर्फ और सिर्फ एक मान उपस्थित है जिस पर यह मिनिमा है, और वह मान कौन सा है, x बराबर 1/2। देखते हैं 13वें का पहला, दिखाइए कि x बराबर e पर फलन y बराबर x के पावर 1/2 है का निम्निष्ठ का मान निम्निष्ठ है। इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चा, कैसे करना है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसका मतलब हमें लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग, तो लॉग y इज इक्वल टू 1/2 नाउ डिफरेंशिएटेड डी ओवर डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स अपॉन 1/2 वाई वाई ओवर डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स अपॉन एक्स। Then dy over dx is equal to y in bracket dx into 1/2x minus log x into 1 upon x square. ये cancel होगा। Therefore dy over dx is equal to y 1 minus log x upon x square. ये हमें derivative की value मिल गई। क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एट जीवा वो इसको जीरो कर दे, वाई वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, पूरा टर्म जीरो हो गया, वाई वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई भी चला गया, तो वन माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, इसे हम लॉग एक्स बेस ही लॉग ई बेस ही लॉग खत्म एक्स की बराबर। अब एक्स बराबर ई हमें मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, ना डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स वाई वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जगह कम है तो मैं इसको इधर करता हूँ,
डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो पहले हर अंश वाई वन माइनस लॉग एक्स माइनस अंश हर बटी हर लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन हो गए, एक वाई हो गया और एक ये वन माइनस लॉग एक्स, तो वैसे बना लेते हैं प्लस वन गुणे द्वितीय इसका करेंगे तो जीरो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स और डिवाइड ओवर डी एक्स माइनस वाई वन माइनस लॉग एक्स, इसको लर से हटाते हुए जगह नहीं बची और इसका हो गया आपका टू एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर। देयरफॉर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको बाहर लिख लेते हैं अपॉन एक्स पावर फोर एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट बाई माइनस वाई अपॉन एक्स इसको लिख दिया प्लस वन माइनस लॉग एक्स डिवाइड ओवर डी एक्स माइनस टू एक्स वाई वन माइनस लॉग एक्स। यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं आगे क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू डी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ई की पावर फोर डी स्क्वायर। अंदर देखिए क्या बचा तो माइनस वाई अपॉन अब वाई की जगह पर हम चाहे तो वैल्यू रख ले या वाई ही बना रहने दे एक्स की जगह पर ई प्लस वन माइनस लॉग ई बेस ई। अब इस पॉइंट पर ये मान कब मिला था जब डिफरेंशियल पार्ट हमारा जीरो था, तो यहां पर हम जहां पर डीवाई ओवर डीएक्स मिलेगा उसे भी जीरो कर माइनस टू ई वाई वन माइनस लॉग ई। यहां पर चाहे तो आप लिख लीजिए डीवाई ओवर डी एक्स जो है वो जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया आपका। देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ई फोर ई स्क्वायर वाई की जगह पर हम वैल्यू अगर रखे तो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था वाई इज इक्वल टू एक्स टू की पावर वन अपॉन एक्स, तो वाई की जगह पर क्या हो जाएगा ई की पावर वन अपॉन ई, ये वैल्यू खाए और वाई की जगह पर रखे ई की पावर वन अपॉन ई अपॉन ई प्लस ये तो जीरो ही हो गया माइनस टू ई वाई लॉग ई बेस ई वैल्यू वन होती है तो वन माइनस वन क्योंकि लॉग ई बेस ई वैल्यू वन ये जीरो हो गया। क्या बचा वन अपॉन ई की पावर फोर ई स्क्वायर इंटू माइनस ई की पावर वन अपॉन ई अपॉन ई ये जीरो और ये भी जीरो यानी कि सारा आने का पार्ट। कुल मिलाकर के अगर हम साइन की बात करें तो ई से एक ये वाला कैंसिल कर दें, ये माइनस साइन बाहर आ गया माइनस वन अपॉन ई की पावर फोर ई इंटू ई की पावर वन अपॉन ई। सॉल्व नहीं करते सिर्फ हमें यहाँ पर साइन देखना है चिन्ह कौन सा आया तो निगेटिव आया, सोल्यूशन नहीं करना इसका कुछ भी, हमें सिर्फ ये तब तक सॉल्व करना होता है जब तक कि हमें चिन्ह ना मिल जाए, ये ना क्लियर हो जाए कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि निगेटिव आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको यहीं पर आगे लिख दिया निगेटिव। रिजल्ट क्या आया क्या आएगा हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई, यही प्रूव करना
देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 का सेकंड पार्ट। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या दिया गया, दिखाइए x बराबर 1 अपॉन रूट e पर फलन x स्क्वायर यानी कि h y इज इक्वल टू x स्क्वायर log 1 अपॉन x उच्च स्थिर है। तो इसकी थोड़ी सफल सही कर लेते हैं, यहाँ पर गड़बड़ है। तो y इक्वल टू x स्क्वायर और इसको log x इनवर्स के लिए और भी आ गया, तो माइनस आगे आ गया x स्क्वायर log x और अच्छा बन गया ये, इसे हम अपना सेट करा लेते हैं। तो dy ओवर dx माइनस d ओवर dx प्लस से टू सेकेंड माइनस फर्स्ट वन अपॉन x प्लस log x इंटू टू क्या बचा हमारा 1 प्लस 2 log, ये वैल्यू आ गई डीवाई ओवर टू लॉग और मैक्सिमा और मिनिमा डीवाई ओवर डीएक्स इक्वल टू 0 माइनस एक्स 1 प्लस 2 log इक्वल टू 0, ये पूरा पार्ट 0 के चाहिए 1 प्लस 2 log इक्वल टू 0 2 log एक्स इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर ले लेंगे तो log एक्स पर इक्वल टू, और इसे हम माइनस log e बेस e लिख सकते हैं क्योंकि 1 इज इक्वल टू log e बेस e होता है। देखते हैं आगे, log f स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस को भी पावर में ले लें तो log e इनवर्स बेस e, ये दोनों साइड से हट गया, f स्क्वायर इज इक्वल टू e इनवर्स एंड f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन e, देन f इज इक्वल टू 1 अपॉन e। लॉग का टर्म चल रहा है इसलिए नेगेटिव टर्म यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से रिप्रेजेंट करते हैं, नाउ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स 1 प्लस 2 वाई, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करें इसे, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 0 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस फर्स्ट 1 प्लस 2 लॉग एक्स का हो गया 1। देयरफॉर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 log x, x कैंसिल माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 log x, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 3 प्लस 2 log x। अब एड वैल्यू निकालेंगे, अब क्या करना है, अब हमें एड द वैल्यू निकालनी है, तो एड द किस पे लिखिएगा जो एक्स की वैल्यू आई है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √e, देयरफॉर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 log 1 अपॉन √e। दिस इज ऑल करें तो माइनस 3 प्लस 2 log e टू दी पावर माइनस 1/2 आगे आ गया, तो माइनस 3 प्लस 2 इंटू -1/2 log e बेस e माइनस 3 माइनस 1 log e बेस e 1 वैल्यू आ गई -2 जो कि निगेटिव है। अब निगेटिव है तो क्या बना, इसका मतलब मैक्सिमा होगा, क्या लिखेंगे, hence the given function
इज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/√E, यही प्रूव करना है। प्रॉब्लम नंबर 14, क्या हुआ, तरंग लैम्डा की तरंग वेव में, वेव पानी में, इसको में फंक्शन को तो सपोज कर लेते हैं, अगर ये वाई सपोज कर लेते हैं, लेट इक्वल टू √λ/a प्लस a अपॉन लैम्डा के समानुपाती है, जहां a अचल मान है, सिद्ध कीजिए लैम्डा बराबर a पर तरंग वेव का वेग का मान निम्नश्चर होगा। तो क्या करना है हमें, एक बार और ऐसा ही प्रॉब्लम आ चुकी है पीछे, मैंने आपको बताया था जब ऐसे सिचुएशन हो तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करा देंगे इसको, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू λ/a प्लस a अपॉन लैम्डा, तब हमारा प्रॉब्लम इजी हो गया। चाहे तो इसे हम एक दूसरा फंक्शन माने या इसको ऐसे ही रखें और इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, जो कि वेरिएबल लैम्डा है, तो dy स्क्वायर ओवर d लैम्डा इज इक्वल टू 1/a माइनस a अपॉन लैम्डा स्क्वायर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, dy स्क्वायर अपॉन d लैम्डा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1/a माइनस a अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1/a इज इक्वल टू a अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है ना। अब चेक करना है सिर्फ हमें लैम्डा इक्वल टू a पर, तो ये बात प्रूफ करनी है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही पॉइंट लेंगे, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, नाउ जी टू वाई स्क्वायर ओवर जी लैम्डा स्क्वायर जी ओवर जी लैम्डा 1/a माइनस a अपॉन लैम्डा क्या आएगा, देयरफॉर जी टू वाई स्क्वायर ओवर जी लैम्डा स्क्वायर ये तो कांस्टेंट हो गया, माइनस माइनस प्लस अपॉन लैम्डा क्यूब, वे अपॉन लैम्डा क्यूब वैल्यू आ गई, एट लैम्डा इज इक्वल टू a, तो लैम्डा बराबर a पर हम प्रूव करेंगे, जी टू वाई वाई टू ओवर जी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू वे अपॉन ए क्यूब, ये कैंसिल हो गया, टू अपॉन ए स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब लैम्डा बराबर ए पर फंक्शन कैसा है, मिनिमा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए हेंस द गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट लैम्डा इज इक्वल टू ई वैल्यू की प्रूव करना था। प्रॉब्लम नंबर 15, एक्स इक्वल टू 1 पर फलन लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान उच्चिष्ट है तथा x बराबर 3 पर निम्निष्ट है, a b तथा c के मान ज्ञात कीजिए, थोड़ा अलग तरीके से सवाल है करेंगे, तो पहले डिफरेंशिएट करा लें, डी वाई ओवर डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर टू ए एक्स प्लस बी इंटू 1 प्लस सी 0, तो इक्वेशन 1 बना लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स प्लस बी, इसको इक्वेशन 2 डाल दें, और मैक्सिमम और मिनिमम dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3 x स्क्वायर प्लस 2 ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि उसने हमें पहले ही बता दिया है यहाँ पर कि x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है और x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है
इसके दो मान होंगे, यानी यक्ष के दो मान होंगे, वो कौन कौन से होंगे? एक यक्ष बराबर 1 होगा और एक यक्ष बराबर 3 होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इफ यक्ष इक्वल टू 1 देन, इसमें वैल्यू 3 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस b, हमें यहां से क्या मिल गया 2a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू 3 देन 3t स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 0, 6a प्लस b प्लस 3 9 27 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए, क्या होगा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 6a प्लस b प्लस 27 0, 2a प्लस b प्लस 3 माइनस 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 कैंसिल हो गया, 4a प्लस 24 इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू 24, 6a इक्वल टू माइनस 6। a की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी एक नंबर में रख दें, इक्वेशन में रख दें, तो बाय इक्वेशन थर्ड 2 इंटू माइनस 6 प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 12 प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन बी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन बी इज इक्वल टू 9। ए और बी के मान हमें मिल चुके हैं यहाँ पर, इसके बाद में हमें सी देखना है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखी जा सकती, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सी हमेशा जीरो हो जाएगा और हमारे पूरे डिफरेंस पूरे सवाल में कहीं पर भी सी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एनी रियल नंबर। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस 6, बी इक्वल टू 9 एंड सी बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, यही आपका आंसर। स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास में खूब मजा आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे आज हमारे, लॉगरिथमिक वाले सवाल हमेशा से बोर्ड में एकदम इंपॉर्टेंट रहते हैं, लॉगरिथमिक के कुछ सवाल आपके एग्जांपल्स में भी दिए गए हैं, तो आप एग्जांपल से जरूर लगा लीजिए उनको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स तो वैसे भी सारे ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बोर्ड में, क्योंकि एग्जाम्पल्स मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो भी आपकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सलूशन देता हूँ, क्योंकि उनका सलूशन करना प्रॉब्लम वाला होता है, तो मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व किया करिए। इस एक्सरसाइज में अब आपके एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, प्रॉब्लम्स रह गई हैं, इन्हें जो है हम लोग अगली क्लास में पूरा करेंगे, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है वो अगली एक्सरसाइज यानी कि 6H बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।